जाए ले जाऊंगा। एक्स्ट्रा क्या कर दोगे इसमें बताओ आप ही बता दो, आप ही बता दो साहब, मैं तो नहीं बताता। ये बता रहा है 197 रुपये। 100 रुपये फालतू ले लेंगे। तो भाई सेक्टर 21 नोएडा की ट्रिप हमारे पास आ गई है, ले लेते हैं, हम नहीं छोड़ेंगे भाई। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो गाइस पापा आ गए हैं, पापा बहुत देर से काम ढूंढ रहे थे पर लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा था, तो उनको फिर वो अभी बाहर जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अपना, और पापा बाहर जाके देखेंगे अपना काम। तो ये रे पापा। तो भाई ये अपना कैमरा तैयार है और काम की कर दी है शुरुआत, ड्यूटी अपनी ऑन है। चलते हैं भाई फील्ड में, कुछ बाइक टैक्सी को लेकर अपडेट्स भी है, कुछ DMRC की तरफ से है, कुछ नोएडा में प्रॉब्लम्स चल रही है, काफ़ी सारी बातें करनी है, अर्निंग भी करनी है, रेट्स वगैरह पर भी डिस्कस करना है। मिलते हैं सीधा फील्ड में। तो भाई 3:15 हो रहे हैं, ये 53 किलोमीटर मेरी बाइक कल चली थी, मैं इसको जीरो कर देता हूँ ट्रिप भी को, ताकि आज मेरी बाइक कितनी चली पता चल जाएगा। और देखो ये मेरी पोर्टर की ड्यूटी हो रहा है और मैं अर्निंग में जाता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर मेरा जो लॉगिन आवर है वो 2:51 है। तो ऐसा नहीं है भाई, मैं पहले पोर्टर की ट्रिप लेना चाहता था पर नहीं मिल रही, क्या करें, चलो कोई नहीं, ओला हमारा ओला है, वेट है यार मुझे पहली ट्रिप का। तो भाई सेक्टर 21 नोएडा की ट्रिप हमारे पास आ गई है, ले लेते हैं, हम नहीं छोड़ेंगे भाई। पोर्टर कभी कभी तो देता है भाई, कभी कभी तो इतनी मेहरबानी करता है पोर्टर हमारे ऊपर कि हमारे को ट्रिप दे दे और मिल जाए, वो भी हमारे को मिलती तब है जब नोएडा की हो या गुड़गांव की हो। 400 मीटर से पिकअप है भाई साहब, और ये पिकअप यार फिर उसी के यहाँ से है, ओवर साइज वाले के यहाँ से, यार क्या करूँ, ड्रामा शुरू फिर से। चलो आज जो भी होगा ले जाएंगे, देखी जाएगा, बाकी जानकारी भी बात करेंगे, पहले कर लेते हैं पिकअप। चलो भाई यहीं से पिकअप होगा पोर्टर का, ओवर साइज तो इनका होता ही है, अभी बात करिए मैंने तो कह रहे हैं ओवर साइज है पर एक्स्ट्रा दिलवा देंगे पैसे। चलो देख लेते हैं यार, सेक्टर 21 नोएडा का है, पर एक चीज़ मैंने देखी है इस जगह से जितनी भी बार पार्सल आते हैं ओवर साइज ही आते हैं, मतलब कि 80% 90% जो है ना ओवर साइज होते हैं पार्सल। क्या है भैया, ये बन जाएगा उस पर, मेरे पास तो लास्टिक है पर उसको ना बात बनेगी नहीं उससे, आपके पास होगा ना उस बांध देगा। हाँ तो जो भी है वो ले आओ, इसको इस तरीके से बंधवा दो बस एक बार, मैं ले जाऊंगा ऐसे, तो ऊंचा नहीं लगेगा पट्ट करके, तो फिर मेरे लिए जगह नहीं बचेगी, ऐसे मैं ले जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बंधवा दो, आपके पास वो होगी ना सूतली वगैरह लड़के का, ले जाऊंगा। एक्स्ट्रा क्या कर दोगे इसमें बताओ, आप ही बता दो, आप ही बता दो साहब, मैं तो नहीं बताता। ये बता रहा है 197 रुपये, 100 रुपये फालतू ले लेंगे, 300 रुपये दोगे, 200 तो बता ही रहा, 300 दोगे ना। अच्छा बनवा दो भैया एक बार, भैया इधर आना, 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ले चलो 300 रुपये की राइड है नोएडा लेके जानी है। सेक्टर पार्सल अपना बन रहा है भाई, बैठ जाऊंगा यार आगे बैग रख के, कोई दिक्कत नहीं है, वैसी गांठ लगाना जो खींचते खुल जाए नाड़े की तरह। स्टार्ट ट्रिप कितना किलोमीटर की देख ले, जलवायु बिहार पास में है, दूर नहीं है, और ये अपनी ट्रिप होने वाली कितना किलोमीटर की, फिर वही पोर्टर का ड्रामा है लोकेशन खोलने में। ये अपनी ट्रिप कितना किलोमीटर, 16 किलोमीटर की है। तो भाई ओवर साइज पार्सल भी अगर सिंगल पीस हो और आपको लगता है कि ले जा सकते हो और आपको अगर एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई अगर आपको लगता हो तो। पर जिसने भी ये बुकिंग डाली है आपको उसका नंबर सेव करके रख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कस्टमर बोल तो देता है कि मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा पर भाई चक्कर ये है कि बाद में वो कंप्लेंट कर सकता है आपकी, तो इसलिए भाई नंबर ज़रूर सेव कर लो, ताकि अब मेरे पास तो रिकॉर्डिंग भी रखी हुई जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपके लिए शायद ये पॉसिबल ना हो कि आप उसकी क्लिप बना सको। बाकी अपनी तरफ से अगर कोशिश हो सके एक्स्ट्रा पैसे अगर वो देने की बात हो रही है तो, और क्लिप बना सकते हो तो क्लिप बना लो, कैसे ना कैसे इधर उधर मुंह करके कैमरा या रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ ना कुछ देख लो। बाकी भाई देखो अभी मैं ना नोएडा जा रहा हूँ, और नोएडा में जो वहाँ के जो मतलब कि कानून है यहाँ का, वहाँ का जो RTO, वो लोग क्या है ऑटो यूनियन वालों की सुनने के बाद
बाइक टैक्सी पर जो है प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और सोमवार से उन्होंने इस पर कार्रवाई करने की भी बात कही है, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपके पास भी आ रहे होंगे और कुछ वीडियोज भी आपने देखी होगी। तो चलान वगैरह होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो देखो समय ही बताएगा। आज मंडे है और मैं बाइक टैक्सी भी कर रहा हूँ और मैं नोएडा जा भी रहा हूँ, तो वहाँ का हाल भी हम लोग देख लेंगे क्या है। पर मुझे यार कहीं ना कहीं जैसे DMRC है, मेट्रो ने, आपको पता है भी, मेट्रो ने भी स्टार्ट करी है बाइक टैक्सी की सेवा, तो दिल्ली के अंदर द्वारका में और इधर आसपास इन्होंने जो है चालू कर दी है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये DMRC की चाल है, ऐसा कहीं ना कहीं मुझे लगता है, पर हकीकत क्या है ये हम लोग जानते नहीं है। क्योंकि एक तरफ DMRC जो है धीरे धीरे अपने कब्जे में लेना चाह रही है जितनी भी मेट्रो की सवारी है, हालांकि मेट्रो की सवारियों से भी हमारे जो बाइक राइडर्स हैं वो काफ़ी कमाइयाँ करते हैं, अंदर कॉलोनियों से मेट्रो स्टेशन पर लेके आते थे, मेट्रो स्टेशन से अपना उनको घर छोड़ते थे। तो ये जो काम है धीरे धीरे खत्म होता चल जाएगा, क्योंकि जो DMRC है उसका मकसद ना जितने भी मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर बाइक टैक्सी की सेवा देने का की योजना है पूरी की पूरी। अब समय के साथ देखो परिवर्तन तो आता ही है, तो अब ये परिवर्तन भी है जिसे हमें देखना है, फेस करना है, परेशान होना है इससे, जो भी होगा हम लोगों के सामने होगा। ये देखो भाई साहब बिल्कुल रूई जैसा पार्सल लेके जा रहे हैं एकदम, इसमें 1.5 किलो वजन भी नहीं होगा, बड़ा मस्त पार्सल है। तो ये तो मूंगफली चबाते हुए जा रहे हैं भाई, आराम से थाली के अंदर मूंगफली रखी हुई है इन्होंने ये बढ़िया स्टाइल है इनका, आप तो सही मूंगफली चबाते हुए जा रहे हैं पन्नी के अंदर मूंगफली, अंदर अटका रखा है, चबाते हुए जा रहे हैं मस्ती में। क्योंकि जाम बहुत लगा हुआ है यार, देख रहे हो पूरा का पूरा जाम है, बहुत बुरा हाल है भैया जाम का। अरे यार एक मिनट यार, अरे भैया अमरूद के भाव है 100 रुपये किलो, लाल वाले हैं क्या ये सारे लाल वाले? अरे यार वैसे नहीं है, लाल वाले ही है, लाल वाले अमरूद है यार, मैं लेता ही नहीं लाल वाले, सफ़ेद वाले लेता हूँ मैं। चलो कोई नहीं, 100 रुपये किलो है वैसे लगा हुआ भाई नोएडा में। हर बार मैं एकदम स्पीड में स्वागत करता था आपका, आजकल धीमे करना पड़ रहा है। नोएडा में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम टू नोएडा। देख रहे हो आजकल शादी वादी के सावे भी है ना, इस चक्कर में भी जाम रहता है नोएडा में। और दूसरा ये वाला रास्ता बंद है इधर वाला, अब जब तक ये वाला रास्ता ओपन नहीं होगा तब तक जाम रहेगा। और सबसे दिक्कत वाली बात यह है जो ये चढ़ के आते हैं ना बिल्कुल, ये पूरा का पूरा रास्ता बंद कर देते हैं, उधर देखो आना चाह रहा वो नहीं आ पा रहा। बाकी जोमेटो वाले भैया देखो दिल्ली से नोएडा में एंटर कर रहे हैं, इनके ID पता नहीं कहाँ की है। भैया ये क्या आपका दिल्ली से भी बजा देता है क्या, जो इधर नोएडा का दिल्ली से बजा देता है या नोएडा का भी? कहाँ ID कहाँ की है आपकी है बताओ? दिल्ली की ID है, नोएडा का बजा दिया मैंने भी। वैसे एक बार मेरी कालकाजी की ID है, मयूर विहार में मैंने दिया हुआ है ये फूड, मयूर विहार Phase 1 Phase 2 जैसे है ना, यहाँ पर मैंने फूड की डिलीवरी की हुई है। और पर यह है कि मैं वहाँ से खाली आया हूँ जब भी आया हूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ से देते नहीं है रिटर्न में ऑर्डर। अंदर नंबर तो देखना पड़ेगा मुझे, एंट्री यहीं से है ना गेट के, ये रहा ब्लॉक F है ना। हाँ यहाँ से नहीं जान लोगे लोकेशन, यहाँ लेके आई ना मुझे सारा लेके आता है, सब यहीं से आता है। अभी आगे से जो है इधर ले लूँ अच्छा, ये भी पंगा है हमारे साथ, ये है भैया 1 नंबर गेट। क्या फायदा किया मैंने, लो यहाँ किसी ने पूछा भी नहीं। 3 भैया F ब्लॉक कहाँ पर है? F ब्लॉक ये खोल देते हैं जी भैया। नहीं मेरे को ना मेरे अंदर कीड़ा है एक वीडियो बनाने का, तो मैं अपने शौक के लिए बनाता हूँ वीडियो हाँ वो गाड़ियों में चल रहा है आजकल, नहीं ठीक है उसमें फिर क्लियर हो जाता है ना कि भाई ये देख लो सारा, कोई आप ब्लेम नहीं कर सकता।
पीछे भी लगाना पड़ेगा जो वैसे देखते हैं, मतलब कि बैक गियर के लिए भी तो होता है। वो तो अलग चीज है, ये तो रिकॉर्डिंग के लिए है, पता नहीं क्या क्या। अब आने वाले में समय देखो, बदलाव तो जीवन है, है ना, बदलाव तो जीवन है। अभी क्या क्या चलेगा ये तो भगवान ही जाने। इसकी पेमेंट आपने करनी है, उन्होंने करनी है? मैं पूछ लेता हूं, पूछ लो आप एक बार। बुकिंग उन्होंने करी है, आपने करी है? उन्होंने की। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। कर देते हैं इसको कंप्लीट। 300 रुपये हमने कैश कलेक्ट कर लिए हैं भैया, और 100 कुछ कलेक्ट होने थे, इसमें 197 कैश कलेक्ट होने थे। 100 रुपये वादे के मुताबिक हमारे को मिल गए हैं, और बुकिंग करी थी भैया उन्होंने, तो मैं उनका नंबर सेव कर लेता हूँ ताकि अगर कल को कोई ड्रामेबाजी की ना इन्होंने। है भैया? हाँ जी, हाँ जी। नहीं एक्चुअली क्या है ना, जहाँ से मैं पार्सल लाया ना, मोस्टली इनकी क्या ओवरसाइज वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या है ना कंप्लेंट हो जाती, काफ़ी चीज़ें हमारे साथ दिक्कतें आ जाती हैं। हाँ, इनसे पहले भी हमने कर रखा है? नहीं, और भी तरीके के सामान जाते हैं ना, बहुत बड़ा इनका हब है, तो काफ़ी तरीके के सामान जाते हैं। तो भाई अब बस यही है, अब मैं तो चलो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, हर किसी के पास भाई रिकॉर्ड का नहीं है। मैं तो कहता हूँ मोबाइल से रिकॉर्ड किया करो थोड़ा बहुत। ओवरसाइज का पंगा कभी भी होता है ना आपके साथ, तो ओवरसाइज के पंगे में सबसे पहले तो एक छोटी सी रिकॉर्डिंग जरूर कर लिया करो कि ये ओवरसाइज पार्सल है जी, ये देखो यहाँ से जा रहा है। और अगर आपके एक्स्ट्रा पैसों में बात भी हो रही है तो भी उस चीज़ को भी कोशिश करो रिकॉर्ड करो, फेस पे कैमरा ना लगा के कैमरे को एंगल इस तरीके से कर दो ताकि जो है उसको नज़र ना आए और उसकी बात भी उसमें रिकॉर्ड हो जाए, और फिर नंबर सेव कर लो जिसने बुकिंग की है। ये 3 चीज़ तो आपको कम से कम ओवरसाइज पार्सलों के अंदर होना ही चाहिए आपके पास, ताकि मान लो कि आप कम से कम कंपनी को मेल तो कर सकते हो। देखो मेल जो आप करते हो ना वो ऑफिशियल होता है, तो उसमें है ना रिस्पॉन्स करना ऑर्डर की भी मजबूरी हो जाती है। आप वैसे जाओगे ना, मतलब कि प्रैक्टिकली आप जाओगे तो आपको कोई भी वहाँ पर अहमियत नहीं देगा, पर अगर आपने अच्छा सा मेल बना के भेज दिया वीडियो रिकॉर्डिंग उसके साथ और ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सारा कुछ उसका PDF बना के आप डाल दोगे ना, तो भाई साहब वो डायरेक्ट जाता है और उसका जवाब देना ही पड़ेगा कंपनी को। तो ये एक बहुत अच्छा सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ। अब मेरे पास देखो, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग और ये वो सारा कुछ मैं PDF बना के रख लूँगा, और मेरे पास इस जो CRN नंबर है, CRN नंबर पता है, एज पर CRN नंबर और वो सारी डिटेल्स मैं जो है पूरी की पूरी फिलअप करके डाल सकता हूँ कंपनी को। ऐसा नहीं है कि मेरी ID ब्लॉक नहीं होती भैया, मेरी भी ID ब्लॉक हो जाती है, तो फिर मैं तो पूरा का पूरा टेक्निकल बंदा हूँ और मैं फिर जो है अपने उस हिसाब से देख लेता हूँ, सब्जेक्ट में CRN नंबर डाल के एज पर जो भी डिटेल्स है वो सारी की सारी 100 एंड 100 क्लियर कर देता हूँ उसमें, तो इस तरीके से। बाकी देखते हैं यार, देखो बाइक टैक्सी का हाल क्या है यहाँ पे। मुझे वैसे अभी तक राइडर देखने को मिले नहीं है, एक राइडर अभी देखो वो सामने देखने को मिला। आज मंडे है, फर्स्ट डे है, क्या हालात होगी क्या नहीं वो देखते हैं। अभी फिलहाल जो है हम लोग